अगर आपके अच्छे दिन अचानक से बुरे दिनों में बदल रहे हैं तो अपने घर की चीज़ों पर आपको ध्यान ज़रूर देना है। जी हाँ, अक्सर घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके खाली होने पर वो बुरा असर देने लगती हैं। वास्तुशास्त्र और शास्त्रीय मत के अनुसार घर में खाली रखी चीज़ों का दुष्प्रभाव आपकी प्रोग्रेस पर पड़ता है। कई बार छोटी से छोटी वस्तु से व्यक्ति का भाग्य रुक जाता है और वह धीरे धीरे कंगाली की ओर चला जाता है। इन चीज़ों से जीवन में नेगेटिविटी आती है और एक के बाद एक नए संकट आने लगते हैं। इसलिए जीवन के विकास और भाग्य वृद्धि के लिए घर में 5 चीज़ों को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं वो 5 चीज़ें कौन सी हैं। देखिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी अन्न के भंडार को खाली नहीं करना चाहिए। जी हाँ, अगर वह खाली हो जाए तो उससे पहले ही उसे भर दें ताकि वह आपके विकास में बाधा ना बने। भरा हुआ अन्न का भंडार जीवन में पॉजिटिविटी लाता है, पॉजिटिव एनर्जी लाता है और आपकी समृद्धि में इजाफा भी करता है। साथ ही हर रोज़ माँ अन्नपूर्णा की पूजा भी ज़रूर करें। माँ अन्नपूर्णा धन धान्य ऐश्वर्य और सौभाग्य की देवी हैं। इनकी हर रोज़ पूजा करने से कभी भी घर का भंडार खाली नहीं होता। वहीं वास्तु के अनुसार बाथरूम में कभी भी खाली बाल्टी नहीं रखनी चाहिए। जी हाँ, बाथरूम में रखी जाने वाली बाल्टी नकारात्मकता को घर में लेकर आती है। ऐसा माना जाता है कि यदि बाथरूम में खाली बाल्टी होगी तो इससे नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश करती है। इससे कई तरह की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। वहीं अगर आप बाल्टी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो उसमें हमेशा आपको पानी भरकर रखना ही है। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि काली या फिर टूटी बाल्टी का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। वहीं बाथरूम में नीले रंग की बाल्टी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब बाल्टी का प्रयोग हो जाए तो उसे जल भर कर रख दें, उसे खाली ना छोड़ें। वहीं ज़्यादातर घरों में पूजा स्थल होता है और पूजा से जुड़ी सामग्री जैसे कि जल का पात्र, घंटी, ये सब चीज़ें होती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में रखे जल पात्र को कभी भी आपको खाली नहीं छोड़ना है, उसमें जल भरा रहना चाहिए। पूजा करने के बाद जल पात्र में जल भर दें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल और तुलसी का दल भी आप डाल सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान को प्यास लगती है, ऐसे में जो अगर जल का पात्र भरा हुआ होगा तो भगवान प्यासे नहीं रहेंगे। जब उन्हें प्यास लगेगी तो वो अपनी प्यास बुझाकर संतुष्ट हो सकते हैं। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता रहेगा। वहीं खाली जल पात्र घर और जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालता है जिससे आपको आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी तिजोरी या फिर पर्स को खाली नहीं छोड़ना है। थोड़ा धन हमेशा बचाकर रखना चाहिए। खाली तिजोरी या पर्स कंगाली की ओर लेकर जाता है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि तिजोरी या फिर पर्स में कुछ ना कुछ धन या पैसे आपके अवश्य होने चाहिए। एकदम से इसे पूरा खाली ना करें। इसी के साथ तिजोरी में आप कौड़ी, गौमती चक्र और शंख भी रख सकते हैं। ये आपकी समृद्धि में इजाफा करता है। वहीं ज़ुबान का हमारी समृद्धि से बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए कभी भी भूल कर भी अपनी ज़ुबान को खाली ना रखें, यानी अपनी ज़ुबान से किसी का अपमान ना करें। घर के बड़े बुजुर्गों से ऐसी कोई बात ना कहें जिससे कि उनको मानसिक ठेस पहुँचे। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज़ होती हैं और वह अपना रास्ता बदल लेती हैं। इसलिए कभी भी घर के बड़ों का नादर ना करें। ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कर्म, वचन और मन से किसी का भी अपमान आप ना कर सकें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही वास्तु टिप्स को जानने के लिए फॉलो कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल सौगंध टीवी को। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।